गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरु पर स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंट लिस्ट डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। क्लियर? तो ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन। दीज आर द बेसिक ऑपरेशन विच वी कैन फॉर्म ऑन लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेवर्सिंग। हाउ कैन वी ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट? तो अगर अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है वो है एरे। तो अगर हम एरे की बात करें तो हम एरे में ट्रेवर्सिंग कैसे करते थे या एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते थे? एरे में हमारे पास एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल था। एरे की अगर हम बात करें तो एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल था। रैंडम एक्सेस पॉसिबल था इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक एरे है जिसकी साइज मान लो 200 है और अगर मान लो मुझे 200 से एलिमेंट को एक्सेस करना है, मुझे ये मालूम है कि उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 200 है, और अगर मुझे डायरेक्ट उस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल था मैंने आपको वो पढ़ाया है लास्ट वीडियो में। अगर मान लो मेरे पास बेस एड्रेस है तो मैं डायरेक्ट उस एलिमेंट पे जा सकता हूँ। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल था और अगर हमको हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना था तो कैसे कर सकते थे? हमको बेस एड्रेस मालूम था और एरे में कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता था तो हम हर एक एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते थे और हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल है या नहीं। तो लिंक लिस्ट में जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट में कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है इसका मतलब ये है कि हमको लिंक लिस्ट में अगर ये मेमोरी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट ऐसे हो। एक नोड यहां पर हो सकता है, एक नोड यहां पर हो सकता है, एक नोड यहां पर हो सकता है। तो अगर हमको किसी भी नोड को एक्सेस करना है तो उसका क्या मालूम होना चाहिए? हमको एड्रेस मालूम होना चाहिए। यहां तक क्लियर? चलिए अब देखते हैं लिंक लिस्ट। अगर मान लो मेरी ये लिंक लिस्ट है, अगर मान लो मेरी क्या है, लिंक लिस्ट है। अब देखते हैं हम क्या रैंडम एक्सेस पॉसिबल है इस लिंक लिस्ट में या नहीं। रैंडम एक्सेस मतलब अगर मान लो मुझे ये मालूम मुझे थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, अगर एरे में मुझे ये मालूम होता था कि मुझे थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल था? बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज करके हम वहां तक पहुंच सकते थे। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता था। अब मैं क्या यहां तक पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहां पर पहुंच पाऊं। क्यों? क्योंकि कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन तो है नहीं, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि ये मेमोरी में कहां पर स्टोर है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है एक नोड यहां पर हो, एक नोड यहां पर हो, यहां पर हो, एक यहां पर हो, कोई सा नोड कहां पर है ये मैं पता नहीं कर सकता। ये कहां पर है इसका मालूम मुझे कैसे चलेगा? इसके एड्रेस से। इसका एड्रेस मुझे कहां से मिलेगा? इसके प्रीवियस वाले नोड से। क्लियर? तो अगर मुझे इस नोड को एक्सेस करना है तो मुझे इसके प्रीवियस नोड तक आना पड़ेगा। और इसके प्रीवियस नोड तक कैसे आऊंगा? इसके प्रीवियस नोड से, इसके प्रीवियस नोड से, इसके प्रीवियस नोड से। तो अल्टीमेटली अगर मुझे मान लो एनएफ इंडेक्स वाले नोड को ट्रेवर्स करना है तो मुझे इससे पहले एन माइनस वन जो सारे नोड है उनको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सिक्वेंशियल एक्सेस होगा और सिक्वेंशियल एक्सेस होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन।
जबकि यही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने की कॉम्प्लेक्स एरे में कितनी थी, ऑर्डर ऑफ वन। क्लियर है? तो हम ये भी एक डिसएडवांटेज इसका समझ सकते हैं कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम है, उस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, तो पॉसिबल नहीं है ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, हमको ऑर्डर ऑफ एन मिलेगा। क्लियर है? अब हम ट्रैवर्सिंग समझते हैं इसकी। ये तो रैंडम एक्सेस हो गया, अब समझते हैं कि लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कैसे होती। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है? एक्सेसिंग ईच एलिमेंट। तो अभी मैंने बताया अगर हमको इस नोड को एक्सेस करना है तो अब एक्सेस हो पाएगा जब मुझे इसका एड्रेस मालूम होगा। इसका एड्रेस कहां से मालूम होगा? हेड से मालूम होगा। क्लियर है? तो एक हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि हेड से मैं क्या करूंगा, इस नोड को एक्सेस करूंगा। इस नोड को एक्सेस करने के बाद मैं इस नोड पे जाना है तो इस नोड पे कैसे जाएगा? 200 मुझे कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो हेड इसको पॉइंट करेगा, पर यहां से नहीं गया 200 के बाद हेड इसको पॉइंट करने लगे, इसको पॉइंट करने लगे, यहां से लूंगा 300 फिर इसको पॉइंट करने लगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही हेड में 200 अगर मैंने वैल्यू ले ली, 200 वैल्यू आएगी तो हेड किसको पॉइंट करने लगेगा? हेड पॉइंट इसको करने लगेगा। तो फिर जो ये नोड है ये हट जाएगा, इसको मैं एक्सेस बाद में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि इस तक मैं कैसे जा रहा था? हेड से जा रहा था, हेड में वैल्यू अपडेट होगी 200, तो अब लिंक लिस्ट ये बन गई, ये नोड तो गायब। अगर मान लो मैंने हेड में नई वैल्यू ये आ गई तो ये लिंक लिस्ट गायब, क्योंकि हेड से यहां तक पहुंचने का मेरे पास अब कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमको समझ में आ रहा है कि हेड से तो बात नहीं बन पाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया पॉइंटर लूंगा। मान लो मैंने एक नया पॉइंटर लिया टी, तो मैंने एक नया पॉइंटर लिया ये, और टी में वैल्यू में क्या साइन कर दूंगा? हेड। क्या वैल्यू साइन कर दूंगा? हेड। क्लियर? तो अगर टी में वैल्यू असाइन कर दूंगा हेड, तो टी पॉइंट किसको करने जाएगा? फर्स्ट नोड को। क्लियर? अब क्या करता जाऊंगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये की वैल्यू पार्ट है और ये क्या है नेक्स्ट पार्ट है उनका, तो मुझे क्या करना है, हर बार क्या करना है, टी की वैल्यू अपडेट कर देना। टी की वैल्यू क्या अपडेट कर देना? टी इक्वल टू टी नेक्स्ट। टी की वैल्यू ये है, मैं इसको एक्सेस करूंगा, फिर टी की वैल्यू अपडेट हुआ क्या हो जाए? टी नेक्स्ट हो जाएगी, तो टी में वैल्यू क्या जाएगी? 200 आ जाएगी, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा। फिर टी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी टी नेक्स्ट, फिर टी के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा। फिर टी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी टी नेक्स्ट, तो टी के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, मैं एक्सेस करूंगा। टी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी टी नेक्स्ट, कब तक चलेगा ये? तब तक चलेगा जब तक टी की वैल्यू क्या ना हो जाए? नल। तो हम देख सकते हैं व्हाइल टी नॉट इक्वल टू नल। क्लियर है? हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कराने के लिए हम क्या है, हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं और फिर टी की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। क्या किया है मैंने, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उस पॉइंटर की वैल्यू क्या कर दी है मैंने, हेड। पॉइंटर की वैल्यू जैसे मैंने हेड की, तो वो किसको पॉइंट करने लगा? फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं, एक्स मतलब प्रिंट कराना है, रीड करना है, जो भी करना है वो हम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोड लिखना हो तो कोड में क्या करोगे आप, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है यहाँ पर, मान लो आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, अगर आपको मान लो प्रिंट कराना है प्रिंट एफ, टी की जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है उसको आप प्रिंट करा लो, तो ये प्रिंट जाएगा। उसके बाद क्या कराना है, टी की वैल्यू अपडेट हो जाए, क्या हो जाए अपडेट होकर टी नेक्स्ट, टी की वैल्यू अपडेट हो क्या हो जाए टी नेक्स्ट, टी की वैल्यू अपडेट होकर टी नेक्स्ट, तो टी के अंदर वैल्यू क्या आ गई 200, टी के अंदर वैल्यू 200 आ गई, तो फिर क्या करेगा, टी के पॉइंट करने लगेगा। जैसे ही टी इसको पॉइंट करने लगा तो फिर क्या करेगा, टी चेक करेगा क्या टी नल है, टी नल नहीं, तो टी जिस बी नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन फिर इनको वो रीड कर लेगा, प्रिंट कर लेगा। उसके बाद टी की वैल्यू अपडेट होकर क्या जाएगी टी नेक्स्ट हुई, तो क्या हो जाएगा 300 वापस आएगा, क्या टी नल है नहीं है कितना है 300 है, तो 300 की इन्फॉर्मेशन फिर इनको प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट हो जाएगा 3, टी नेक्स्ट क्या हो 400। तो हमने देखा कि ये ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट में कैसे पॉसिबल है। लिंक लिस्ट में हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो हमको स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट उस नोड तक पहुंच सके।
तो ऑब्वियस सी बात है हर एक नोड पर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी ड्रॉ है। और ये तरीका है हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी हेड, मतलब वो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा और स्टार्टिंग नोड से हम नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेते जाएंगे और वैल्यू रीड करते जाएंगे। तो आई होप आपको ट्रैवर्सिंग समझ में आई होगी लिंक लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन इन लिंक लिस्ट। थैंक यू।